बहुत से लोगों को इस चीज़ का वहम है कि यार टिकटॉक बैन हो गया, अकाउंट चल पड़ा था, वीडियो कैसे अपलोड करें। और काफ़ी लोग अब ये भी कहेंगे कि यार वीपीएन का इस्तेमाल कर लो, कोई कहेगा वीपीएन इस्तेमाल ना करना, अकाउंट टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन कोई भी सीधी बात नहीं बताएगा कि यार अगर वीपीएन का इस्तेमाल करना है तो कैसे करना है, और अगर नहीं करना, मना किया जा रहा है, तो उसकी रीज़न क्या है। उससे पहले इतना मैं बता दूं कि जो टिकटॉक बैन हुआ है ये टेम्परेरी शैडो बैन, ये टेम्परेरी बैन हुआ है, परमानेंट नहीं है। वो बेडेंस जो है वो चाइनीज़ कंपनी है और सी पैक लेके इस गवर्नमेंट के अंदर घुस जाएगी। और वैसे भी पीटीए ने एक वो निब्बी लड़की वाला काम किया, जो अपने जानों से नाराज़ हो, कहते हैं ना जानों में नाराज़ हूँ मुझे मनाओ ना, पीटीए ने भी वही काम किया। वो कह रहा है कि भाई हमने एक आपकी जो एप्लीकेशन है उसको हमने बैन कर दिया है, हायर अथॉरिटी आए हमसे बात करें, हम उसको वापस रिलीज़ कर देंगे। लेकिन रुको ना यार, रुको रुको रुको, बता रहा हूँ कि अगर अपलोड करनी है वीडियो तो वो कैसे करनी है। सबसे पहले बात कर देते हैं कि जो वीपीएन है उसका यूज़ कैसे करना है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि वीपीएन अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं, उसको ऑन करते हैं और कहते हैं कि ऑन हो गया, चलो जी अब टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं या वीडियो अपलोड करते हैं। देखो वीपीएन का मकसद होता है आपके मोबाइल की वो लोकेशन और सर्वर को चेंज करते हैं, और जब भी आप बार बार अपना नेट ऑन करते हो या वीपीएन ऑन करते हो तो एक अलग लोकेशन में आता है। सो इससे क्या होता है कि जब अब ऐसी कंडीशन में जब आप वीडियो पोस्ट करते हो तो बेडेंस और टिकटॉक ये समझता है कि यार ये कौन सा स्पाइडर मैन है, यूं करता है, कभी जर्मनी पहुंच जाता है, कभी लंदन पहुंच जाता है, कभी अमेरिका पहुंच जाता है। तो इसका तरीकाकार ये है कि आप अपने मोबाइल में वीपीएन इंस्टॉल करें, उसकी सेटिंग्स में जाएं और उसकी एक लोकेशन सेट कर दें, एक सर्वर सेट कर दें। लेट्स सपोज आप यूके सेट कर दें, और आपने जब भी फिर यूके सेट करने के बाद जब भी आपने वीपीएन को ओपन करना है तो आपने मेक श्योर करना है कि आपकी जो लोकेशन है वो यूके ही आ रही है। उसका क्या फ़ायदा है कि उसके आपकी लोकेशन जो है वो एक रहेगी। उसके बाद जब आप टिकटॉक ऑन करेंगे तो आपकी टिकटॉक चलने लग पड़ेगी। यहाँ तक तो टिकटॉक को चलाने का मामला सेट हो गया, टिकटॉक आपकी चलने लग पड़ेगी। और उसका जो बेस्ट जो है इससे क्या होगा वो ये होगा कि आपके पास जो ट्रैफिक आएगी वो सारी की सारी बाहर की आएगी, सारी की सारी फॉरनर्स आपके पास आएंगे, गोरियाँ शोरियाँ आपके पास आएंगी। आप जब देखेंगे कि यार उनकी कितनी क्रिएटिव वीडियोस है, और उनकी वीडियोस को और आप अपनी वीडियोस का, अपने जो हमारे यहाँ पे वीडियोस चलती हैं आप उनका एनालिसिस कर सकते हैं। सो यहाँ तक बात होगी कि जो है आपने टिकटॉक चला ली। अब बात करते हैं कि आपने इसके ऊपर क्या वीडियो अपलोड करनी है या नहीं करनी। सो देखो अकाउंट जैसे कि मैंने बताया तभी टर्मिनेट होता है जब आप बार बार उसकी लोकेशन चेंज करते हो। ऐसे तो बहुत सारे ये निबी निबी टिकटॉकर्स जो है वो दुबई गए हुए थे, तो क्या टिकटॉक ने उनका अकाउंट चेंज कर दिया कि नहीं भाई ये तो इनकी लोकेशन चेंज होगी, अकाउंट जो है इनका वो टर्मिनेट कर दो। नहीं, जब लोकेशन बार बार चेंज होती है विद इन अ सेकेंड, विद इन अ मिनट, इनफैक्ट विद इन अ आवर जब लोकेशन चेंज होती है तब जो है वो आपका अकाउंट टर्मिनेट हो जाता है। लेकिन जब एक ही रीजन लॉक रहता है तो आपकी जो आईडी है वो टर्मिनेट नहीं होती। यहाँ तक होगी कि वीपीएन को इंस्टॉल करके उसका इस्तेमाल कैसे। अब आ जाते हैं अपलोडिंग की तरफ। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि भाई आपका पहले अपने अकाउंट के ऊपर अप्लाई करेगा फिर आपको बताएगा, तो मैंने 5 वीडियोज़ अपलोड की और किसी ने मुँह तक नहीं लगाया, यकीन कर जो घास तक नहीं किसी ने दिया। उसकी रीज़न क्या है, हम रहते हैं पाकिस्तान में और जो भी वीडियोस हम अपलोड करते हैं वो सिर्फ पाकिस्तान की ऑडियंस ही देखती है, क्योंकि टिकटॉक ने रीजन लॉक किए हैं। आप जिस कंट्री में रहते हैं आपके पास ट्रैफिक भी उसी कंट्री का आएगा और आपकी वीडियोस भी उसी कंट्री का जो लोग हैं वो देखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जो वायरल वीडियो जाएगी वो या दुबई चली जाएगी या सऊदी अरब के लोग देख लेंगे, इससे आगे आपकी वीडियोस नहीं बढ़ती। सो जब आप अपनी वीडियो अपना कंटेंट तैयार करके अपलोड भी करेंगे और वो रिलीज़ भी हो जाएगा, उस पर व्यूज़ भी आएंगे, लेकिन जितनी भी ऑडियंस आएगी आपकी जो वीडियो देखेगी वो बाहर की देखेगी और वो आपको मुँह नहीं लगाएगी। यार देखो एक फॉरनर बंदा है, गोरा है, उसको क्या लगे कि आपने क्या बनाया। वो जब वीडियो देखेगा उर्दू में या पंजाबी में या काके कूके वाली या चैलेंज वाली तो वो कहेगा व्हाट द फक मैन, ये क्या कर रहे हो तुम। तो ऐसे में जो है ना, जब आपके अपने फॉलोअर्स आपकी अपनी ऑडियंस ही आपकी वीडियो नहीं देखेगी तो आपकी वीडियो की ग्रोथ नहीं होगी। एक बात आप अपने माइंड में सेट रखें, बेडेंस को भी पता है, टिकटॉक को भी पता है कि पाकिस्तान रीजन लॉक हो चुका है, पाकिस्तान के जितने यूज़र्स हैं वो वीडियो अपलोड नहीं कर पाते, तो आपके अकाउंट के ऊपर कोई मसला नहीं है, थोड़ा सा सब्र रखें। लेकिन अगर फिर भी जो है वो कीड़ा ज़्यादा तंग कर रहा है तो उसके लिए आप क्या करें, वीपीएन इंस्टॉल कर लें, उसकी एक लोकेशन सेट कर लें, और अगर आप पहले 5 वीडियोस देते थे, 6 वीडियोस देते थे तो आप कोशिश करें कि सिर्फ एक ही वीडियो दें ताकि आपका जो अकाउंट है वो जो है वो कांस्टेंट रह सके। अगर आपके माइंड में ऐसा चल रहा है मेरी 5 वीडियो भेज दो, किसी ने मुंह तक नहीं लगाया, इवन के बाहर जो है वो पाकिस्तानी भी होते हैं लेकिन निक्का दुक्का, जो अभी आपके पास ट्रैफिक आएगी व्यूज़ आएंगे वो सारे के सारे वही होंगे और फॉरनर को आपकी वीडियो की समझ नहीं आने वाली और वो ऐसी बेतुकी वीडियोस देखते नहीं हैं। सो उसके लिए क्या करें कि आप सब्र का इख्तियार करें। और बेस्ट मशवरा अगर मैं दूँ, बेस्ट ये तरीकाकार मैंने आपको बता दिया कि वीपीएन इंस्टॉल करके एक लोकेशन सेट करें, उसके बाद आप अपनी वीडियो अपलोड करके उसका रिजल्ट देख लें। अगर उसके ऊपर रीच अच्छी है या आपको नए फॉलोअर्स मिलते हैं कंटिन्यू कर लें, लेकिन अगर रीच अच्छी नहीं है
तो आप जो है वो बिल्कुल भी अपलोड ना करें और बार बार लोकेशन चेंज ना करें, अकाउंट टर्मिनेट हो जाएगा और इसी कंडीशन में होता है। सो बेस्ट मशवरा, अगर भाई से मशवरा लेते हो तो बेस्ट मशवरा मैं आपको देता हूँ कि भाई एक टांग के ऊपर दूसरी टांग रखो, हाथ ऐसे पीछे करो और सो जाओ। सही है ना? अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखना। और हाँ, वो सब्सक्राइब, ये लाल बटन दबा देना।